उत्तर प्रदेश के इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां डबल डेकर बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मां और बेटे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में 3 कार सवार और 3 बस यात्री शामिल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस 3-4 पलटियां खाती हुई एक्सप्रेसवे से 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में बस सवार 45 यात्री घायल हैं, जहां यह हादसा शनिवार रविवार रात 1 बजे हुआ। सफाई में उसराहार थाना क्षेत्र में कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। उसकी स्पीड धीमी थी, लेकिन बस तेज स्पीड में थी। कार में 6 लोग सवार थे। वे राजस्थान के बालाजी से दर्शन कर कन्नौज लौट रहे थे। वहीं रायबरेली से नई दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस अचानक कार के सामने आने पर ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और हादसा हो गया।